नवी मुंबई नेटवर्क। एनएम 20th मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन 2022 के आखिरी दिन बिल्डरों में एक अलग उत्साह और जोश दिखाई दिया। प्रॉपर्टी एग्जीबिशन के चौथे यानी कि आखिरी दिन पैराडाइज ग्रुप के तमाम सदस्यों में भी कुछ ऐसा ही उत्साह देखने को मिल रहा था। योर वर्ल्ड आर विजन इस ब्रिदवाक्य के साथ इस बार पैराडाइज ग्रुप ने इस मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में अपने यूनिक थीम स्टॉल्स और पेविलियन के साथ जहां ग्राहकों का दिल जीता, वहीं अपने अफोर्डेबल हाउस से लेकर लग्जरियस होम की अब तक की रिकॉर्ड तोड़ सेल से फिर एक और बार रियल एस्टेट क्षेत्र में खुद को पायोनियर साबित कर दिया। यही कारण है कि पैराडाइज ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष भतीजा ने गर्व के साथ कहा कि आज नवी मुंबई अब ऐसे स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है कि जिसे रोक पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पैराडाइज ग्रुप ने अपने रेप्यूटेशन और क्रेडिबिलिटी के दम पर 20 सालों में पहली बार इतना कन्वर्जन किया है। फुली सेटिस्फाइड एज ए नवी मुंबई कर कि नवी मुंबई को लोग पहचानने लगे हैं। नवी मुंबई अपने आप में एक अलग दौर में चल पड़ी है और अब नवी मुंबई को कोई रोक नहीं सकता। और नवी मुंबई की इस दौर में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी हमारे जैसे बिल्डर है जिन्होंने अपनी रेपुटेशन अपनी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बचा के रखी है और काम अच्छा करके रखा है। और हमारे पास सब थीम बेस्ड प्रोजेक्ट होने की वजह से भगवान की दुआ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। और इतना ही बोलूँगा कि ये एग्जीबिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कस्टमर और बिल्डर दोनों के लिए बेनिफिशियरी है। और अगर बात करें कन्वर्शन की तो पहली बार मुझे लास्ट 20 सालों में इतना कन्वर्शन मिला है कस्टमर्स का। उन्होंने आगे कहा कि कोविड के सेंटिमेंट ने लोगों को घर और फैमिली की वैल्यू बताई है, वहीं चार दीवारों के घरों से ज्यादा लोगों को अब कम्युनिटी लिविंग टाउनशिप लिविंग की जरूरत ज्यादा पड़ने लगी है और उसी का परिणाम स्वरूप उनके सभी प्रोजेक्ट्स को इस बार उम्मीद से ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाई दिया। कोविड की सिचुएशन ने पूरे माहौल को बदल के रखा है और ये माहौल हमने आपने नहीं बदला है, ये कुदरत की वजह से जो आई हुई एक आपदा आई कंट्री के अंदर वर्ल्ड में, उससे पूरे सेंटीमेंट्स ही बदल गए हैं। और ये सेंटीमेंट्स में लोगों को फैमिली वैल्यूज फैमिली इमोशंस घर की वैल्यू चार दीवारों को छोड़ के एक कम्युनिटी लिविंग टाउनशिप लिविंग एमिनिटीज इन चीज़ों की जरूरत ज़्यादा लगने लगी। और आज उसी की वजह से साई वर्ल्ड सिटी साई वर्ल्ड एम्पायर साई सन सिटी अफोर्डेबल हाउसिंग एम्पायर फ्रॉम साउथ अफ्रीका साई वर्ल्ड ड्रीम एक ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ अ कॉमन फैमिली डोंबिवली ये सब प्रोजेक्ट को जो रेस्पॉन्स मिला है वो मैं और मेरी टीम ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा। मनीष भतीजा ने कहा कि हमारी मेहनत हमारे विजन से ज्यादा लोगों का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी जीत है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने जो हम पे विश्वास किया है ये उनके विश्वास की जीत है और उनके विश्वास ने हमें जिताया है। हमारी मेहनत है हमारा विजन है लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप मेहनत कितने दिन करोगे, 15 दिन 1 महीना 2 महीना, पर अगर आपको देखेगा कोई आपकी मेहनत को देख नहीं रहा उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा तो आदमी थक जाता है। पर हम थकते ही नहीं है, हम दिन में 15-16 घंटा हमारी टीम काम करते हैं फिर भी लगता है कि दिन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो प्यार मिलता है लोगों से, आप लोगों से, मीडिया भाइयों से और इस पब्लिक से, ये जो प्यार है ये हमें पूरी देर खड़ा होने को मजबूर कर देता है। और हर आदमी के साथ जो हमको मिलने के बाद में रिस्पॉन्स मिलता है, कोई हमारे को बोलता है कि हमें आपके साथ फ़ोटो निकालना है, कोई बोलता है कि हमें आपकी सिग्नेचर चाहिए, ये एक बिल्डर को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, नसीब लगता है और वो भगवान की दुआ से हमारी कंपनी ने अचीव कर लिया है जिसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। हमारी ऑफर एक ही रहती है कि हम आपकी सोच से ज़्यादा और आपको टाइम से पहले पोजीशन देंगे। मनीष भतीजा ने कहा कि इस प्रदर्शनी में लोगों ने पहली बार अफोर्डेबल हाउस में लग्जरियस सुविधा को एक्सपीरियंस किया है और यही उनकी तमाम प्रोजेक्ट की सफलता का राज है, क्योंकि लोगों ने पहली बार देखा कि अफोर्डेबल में भी लग्जरी दिया जा रहा है। तो ये जो है ना लग्जरी किधर गई नहीं, लग्जरी प्रोजेक्ट लग्जरी की जगह पे है, लेकिन मैंने अफोर्डेबल के अंदर भी दोनों प्रोजेक्ट साई वर्ल्ड ड्रीम डोंबिवली और साई सन सिटी साउथ अफ्रीका इंस्पायर्ड खारगर अपर खारगर में दोनों जगह पे हमने
इस अफोर्डेबल होम्स में लग्जरी को भी समाया है, क्योंकि आम आदमी को भी लग्जरी जीने का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन बी नेटवर्क।